दोस्तों, मैं मोना आपके अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम अपने चैनल पे बनाएंगे एक ऐसा हिना हेयर पैक जिसके इस्तेमाल से आपके बालों में शाइन आएगी, बालों की लंबाई बढ़ेगी, बाल थिक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनेंगे। ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है। हिना और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो बालों और स्कैल्प दोनों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको हिना को बालों में क्यों अप्लाई करना चाहिए, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। हिना में नेचुरल नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ड्राई, डैमेज्ड और अनहेल्दी बालों को रिपेयर करके सॉफ्ट, शाइनी और मैनेजेबल बना देती हैं। मेहंदी यानी हिना हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाती है। यह हमारे हेयर और स्कैल्प दोनों को ही हेल्दी और नरिश्ड रखती है। यह हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है और डैंड्रफ आदि से स्कैल्प को बचाती है। हिना एक नेचुरल डाई है जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के बालों को काला, मजबूत और चमकदार बनाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे नए वीडियोज़ मिस ना करें। तो सबसे पहले हमने 300 ml पानी गैस पे रख दिया है। उसमें हम करीब 2 टेबलस्पून चाय पत्ती ऐड करेंगे। और पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट बॉईल होने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। चाय पत्ती के पानी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने पानी ठंडा हो रहा है, हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स रेडी करेंगे। ये मैंने ली है 150 ग्राम मेहंदी पाउडर। इसके बाद एक मीडियम साइज चुकंदर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसको ग्राइंड करने के बाद इसका जूस हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये जूस हमारा रेडी है। इसके बाद मुझे चाहिए 1/2 लेमन। फिर मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच आंवला पाउडर। फ्रेंड्स, नींबू और आंवला दोनों में विटामिन सी होता है। दोनों ही बालों की शाइन को बढ़ाते हैं और बालों को मजबूती प्रदान करते हैं। मेहंदी हेयर पैक बनाने के लिए मैं जो बर्तन प्रेफर करती हूँ वो है आयरन की कढ़ाई। आयरन का पैन या आयरन का कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। ऐसा करने से बर्तन का आयरन मेहंदी या हिना हेयर पैक के अंदर मिल जाएगा, इन्फ्यूज़ हो जाएगा। आयरन हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ फास्टर होती है और हमारे बाल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। चाय पत्ती का पानी ठंडा हो चुका है, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इसके बाद लोहे के बर्तन में हिना पाउडर, आंवला पाउडर और चुकंदर का जूस ऐड कर देंगे। अब हम तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कि हमें कितना और ज़्यादा लिक्विड मिक्स करने की ज़रूरत है ताकि इसकी एक स्मूथ कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। अभी भी ये ड्राई है तो हम इसमें चाय पत्ती का पानी ऐड कर देंगे। हमें ना ज़्यादा इसे पतला और ना ज़्यादा इसे गाढ़ा रखना है। हल्का स्मूथ कंसिस्टेंसी इसकी तैयार करनी है ताकि बालों में और स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये हिना और चुकंदर का जो हेयर पैक है इसके यूज़ करने से सफ़ेद बाल काले तो होंगे ही, साथ ही में चुकंदर के यूज़ करने से एक बालों में बरगंडी कलर आ जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत लगता है। हो सकता है पहली बार के इस्तेमाल से आपको ये बरगंडी कलर आपके बालों में ना नज़र आए, लेकिन अगर आप इसे मंथ में 2 बार भी अप्लाई करेंगे तो आपको अपने बालों में ये सुंदर कलर दिखाई देगा। तो ये देखिए, हमारा हेयर पैक अच्छे से रेडी हो चुका है। उसमें हम 1/2 लेमन जो है वो निचोड़ देते हैं और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप लेमन का यूज़
स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे लेमन का यूज़ ऑप्शनल है, ये मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि बालों में लेमन बहुत ज़्यादा शाइन लेके आता है। तो इस टी वाटर को हमें बचा के रखना है, इनकेस अगर कंसिस्टेंसी स्मूथ नहीं होती है तो इसकी हेल्प से हम स्मूथ कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। 3-4 घंटे के बाद जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हो सकता है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यूज़ करने के टाइम पे हम 2 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है, और 3-4 घंटे के बाद आयरन कढ़ाई ने भी अपना ब्लैक कलर जो है वो हिना में इन्फ्यूज़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2-3 टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी। एक तो आप हर्बल हिना का यूज़ कीजिए, ज़्यादा केमिकल युक्त हिना का यूज़ मत कीजिए, ये आपके बालों को नुकसान पहुँचा सकती है। दूसरा, हिना को अप्लाई करने के बाद 3-4 घंटे तक रखना है और बालों को शैम्पू से वॉश नहीं करना है। और जिस दिन आप हिना अप्लाई कर रहे हैं उस रात को आपको बालों में ऑयलिंग करनी है, उसके अगले दिन आपको शैम्पू से वॉश करना है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए, इसके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।